Assalamualaikum students of class 6. Today is Wednesday and the date is 7 July 2020. हमने last अभी yesterday जो है यानी Monday को हम कर चुके हैं यूरिन सेंस ऑर्गन्स करे थे हमने. ठीक है, फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके फंक्शन मैंने आपको लिखने कहे थे, बुक के अंदर ही है वो फंक्शन. आज हम डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे और डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे एक यूरिनरी ब्लैडर है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, अभी मैं आपको राइटिंग का काम नहीं दे रही, इसका भी आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारा सुने बसा. यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जो आपके हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, जो उसमें लिक्विड चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है, जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं, वो हमारे जिस्म से निकल जाती हैं. तो वो हमारा जिस्म कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ये आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक है, ये आपको यूट्रस नजर आ रहे हैं ऊपर, ये यूरिटर्स, यूरिटर्स दो नालियां सी हैं, ये ऊपर और तम और दूसरे ऑर्गन से टॉक्सिक मटेरियल लेकर ये यूरिनरी ब्लैडर में आती हैं. ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है इस ऑर्गन की वजह से आप हेल्दी रहते हैं और क्लीन रहते हैं. क्यों? अगर ये ऑर्गन आपके जिस्म से अनडाइजेस्टेड तो नहीं, जो टॉक्सिक मटेरियल अगर आपके जिस्म से नहीं निकालेगा तो वो जिस्म में ही रह जाएगा वो टॉक्सिक मटेरियल, और आपका जिस्म जो है वो अंदर से गल सड़ जाएगा. ठीक है, आप जैसे किडनी है, किडनी का क्या 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 काम है कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है किडनी. ठीक है, और इसके अलावा जो टॉक्सिक मटेरियल है वो यूरिन की सूरत में यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है. ये देखिए किडनी से ये दो आपको नज़र आ रही होंगी, दो नज़र लाइंस नीचे जाते हुए, तो ये असल में यूरिटर्स हैं जो जाके नीचे यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होता है और यूरिन जो है वो फिर पास आउट हो जाता है. ठीक है, जिस्म से. और यूरिन है क्या, यूरिन टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट है जिस्म का लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो टॉक्सिक मटेरियल या वेस्ट होता है वो यूरिन की सूरत में हमारे जिस्म से पास आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. ठीक है, आ रही है बात. और अगर किडनी कभी ख़राब हो जाए तो किडनी या तो ट्रांसप्लांट होती है, यानी क्योंकि अल्लाह ताला ने हर आदमी को दो किडनी दी है, तो कोई भी दूसरा आदमी जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो या कोई रिलेशन हो जिसकी किडनी ख़राब हो तो वो अपनी किडनी उस आदमी को दे सकता है. ठीक है, तो ये एक चीज़ है किडनी के बारे में. और टॉक्सिक मटेरियल जो है वो किडनी साफ करके आपका यूरिन की सूरत में बाहर निकाल देता है यूरिनरी ब्लैडर के जरिए. फिर पैनक्रियाज पढ़ते हैं. पैनक्रियाज जो है वो पत्ते की शक्ल का होता है, यहाँ से जूस निकलता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, और इसके अलावा ये शुगर के लेवल को जो है रेगुलेट करता है. ठीक है, कम या ज़्यादा नहीं होने देता. पैनक्रियाज की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, पित्ता, जिसे पित्ता कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से निकलता है जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है हमारे लिए. ठीक है, अब आते हैं लिवर पर. लिवर क्या करता है जनाब? लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये भी टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालता है. इट स्टोर्स विटामिन शुगर एंड आयरन टू गिव एनर्जी टू द बॉडी, और ये स्टोर कर लेता है विटामिन शुगर और आयरन को. इसके अलावा ये बाइल जूस रिलीज करता है. पैनक्रियास क्या जूस रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूस. और लिवर क्या जूस रिलीज करता है? बाइल जूस. ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस स्टमक में चले जाते हैं. ये स्टमक है. ठीक है, ये रहा स्टमक. स्टमक के अंदर ये दोनों जूसेस जाते हैं, और ये दोनों जूसेस जो हैं वो आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं स्टमक के अंदर. ठीक है, किसको डाइजेस्ट करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक के अंदर ये दोनों जूसेस. कौन से दोनों जूसेस? बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस. ये दोनों जूसेस स्टमक के अंदर जाते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एक एसिड बना देते हैं. ठीक है, एसिड HCl होता है इसके अंदर, एसिड जो कि फूड को गलाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, गला देते हैं, और उसमें से हम जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारा जिस्म एब्जॉर्ब कर लेता है. आज के लिए लेक्चर इतना है. ठीक है, आपने एक काम करना है, आपने स्टमक पे एक शॉर्ट नोट लिखना है. ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टमक क्लास 6, आपको ये लिखना है. मैं यहाँ लिख देती हूँ वरना फिर आप लोग लिखेंगे नहीं. ठीक है, राइट आ
शॉर्ट नोट ऑन स्टमक, राइट आ शॉर्ट नोट ऑन स्टमक, ठीक है। और ये स्टमक पे राइट अ शॉर्ट नोट पे, ये आपने स्टमक के लिखना है, बाकी एक्सप्लेन मैं कल करूंगी आप लोगों को। थैंक यू क्लास।